आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आजकल जब भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक खोला जाए तो कई जगह जो जेंजी वर्ड्स होते हैं वो पढ़ने सुनने को मिलते हैं, जैसे सिचुएशनशिप है, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, डिलीलू वगैरह वगैरह। अभी इन वर्ड्स का मतलब जनता समझ ही रही थी कि अब नया सिलेबस जारी हो गया है और ये जेंजी की दुनिया है और बाकी सब बस इसमें जी रहे हैं। तो ऑक्सफोर्ड ने भी इसी कथन को मान्यता दे दी है। ऑक्सफोर्ड वालों ने साल का शब्द यानी वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया है। क्या शब्द चुना है? तो वो शब्द है रिज, अंग्रेजी में RIZZ। सही मायने में तो अगर आप जेंजी नहीं हैं, तो इंस्टा सेवी नहीं हैं, तो मुश्किल हो सकती है इसे समझने में, लेकिन हम आसान कर देते हैं। तो ये वर्ड रोमांटिक अपील या चार्म के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक इंटरनेट स्लैंग है, अगले को आकर्षित करने या सेड्यूस करने की कुव्वत। असल में ये शब्द करिश्मा का शॉर्ट फॉर्म है, करिश्मा से निकला रिस। तो हर साल ही हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुनता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर इसे चुनने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे कोई वर्ड ऑफ द ईयर बनता है? तो आज के ज्ञान ध्यान में हम आपको यही बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। तो हम अब आगे प्रोसेस की तरफ बढ़ें, उससे पहले मैं आपको इस बार की कुछ शब्दों की लिस्ट बता देती हूँ जो रिज वर्ड को कम्पीट कर रहे थे। तो कुल 8 शब्दों की ये लिस्ट थी जिसमें ये मुश्किल फैसला लिया गया कि रिज ही वर्ड ऑफ द ईयर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जानकारी दी है कि जनरेशन जेड इस शब्द को खूब इस्तेमाल करती है, तो अगर आप बात करने, फ्लर्ट करने में अच्छे हैं तो आप में रिज है। हो सकता है आपको मालूम भी ना हो, मगर है। एक एक कर आपको बता देते हैं कि कौन से वर्ड इस बार इस वर्ड को कंपटीशन दे रहे थे। तो पहला है बेस फ्लैग। रेड फ्लैग तो आप जानते ही हैं, बेस फ्लैग भी एक कैरेक्टर का लक्षण है कि अगला उबाऊ है या उसमें मौलिकता की कमी है, तो उसे हम कहेंगे बेस फ्लैग। दूसरा वर्ड था सिचुएशनशिप, एक रोमांटिक या सेक्सुअल रिश्ता जो ऑफिशियल ना हो। तीसरा है पैरा सोशल। एक तो आप सोशल जानते हैं, फिर एंटी सोशल होता है और फिर होता है पैरा सोशल। सोशल मतलब मिलनसार, एंटी सोशल मतलब एंटी मिलनसार, और पैरा सोशल मतलब एक तरफा संबंध लेकिन एक सोशल मीडिया हस्ती के साथ। फिर चौथा है आपका स्विफ्टी। हमारे जनरेशन में अगर कुछ एक लोग सेंसेशन बने होंगे तो उनमें से एक है पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट। अब तो उन पर रिसर्च भी की जा रही है, तो इनके जो बहुत बड़े वाले फैन हैं उन्हें कहा जाता है स्विफ्टी। पांचवा है हीट डोम। हीट डोम एक प्राकृतिक घटना है, जब हाई प्रेशर वाले किसी क्षेत्र में गर्म हवा फंस जाए तो हवा सिकुड़ जाती है, गर्म हो सकती है और सूख सकती है, इसे ही हीट डोम कहते हैं। फिर छठा है प्रॉम्प्ट, मतलब निर्देश, लेकिन अब इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिए निर्देशों के लिए किया जाता है। फिर है आपका डी इन्फ्लुएंसिंग। इसे ऐसे समझिए कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो कहते हैं कि आप ये आदत डालिए, ये बॉडी लोशन खरीदिए, वो खरीदिए। डी इन्फ्लुएंसर्स ठीक उल्टा कहते हैं, वो कहते हैं कि आप ये बॉडी लोशन मत खरीदिए, मटेरियलिज्म बंद कर दीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन 8 शब्दों का चयन 2200 करोड़ शब्दों के एनालिसिस के आधार पर किया गया है। ये शब्द उन सामाजिक बदलावों और रुझानों को दिखाते हैं जो 2023 में हुए। 2022 में ऑक्सफोर्ड ने गॉबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। अब हर साल कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आकर्षण या निहित अर्थों के लिए बोलचाल में और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्द हमारी ज़ुबान पर चढ़कर हमारी स्वाभाविक भाषा का हिस्सा बन जाते हैं, हम डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ करते हैं। ऑक्सफोर्ड के पास लगभग 19 अरब शब्दों का बड़ा सा भंडार है। ये दुनिया भर के अंग्रेजी अखबारों की मदद से नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। लेक्सिकोग्राफर ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो तमाम नए शब्दों में से कुछ चुनिंदा शब्दों को छाट कर फाइनल लिस्ट में रखते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि साल का शब्द ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में भी जगह पा जाए। ऑक्सफोर्ड की कोशिश इस शब्द के जरिए इस साल के लोकाचार और भावना को पेश करना होता है। तो हर साल प्रेस में कई लेक्सिकोग्राफर जमा होते हैं और उन प्रूफ का एनालिसिस करते हैं जो किसी शब्दों को ये उपाधि देने के लिए पेश हुए, कितनी दफा वो शब्द इस्तेमाल हुआ, किस समय इसका इस्तेमाल बढ़ा, दुनिया उस शब्द से क्या कर रही है, लोग क्यों इस वर्ड को ज्यादा यूज कर रहे हैं, इन सब पर बात होती है।
होती है। इनकी भाषा का एनालिसिस कर लिस्ट को छोटा करते हैं, कई मानकों और कसौटियों से गुजर लिस्ट जो है वो छोटी होती जाती है और आखिर में बचता है सिर्फ एक शब्द। ऑक्सफोर्ड ने 2022 से शब्द के चुनाव के लिए दुनिया भर के लोगों से मतदान का फेज भी इसमें जोड़ा है। इसके तहत अंतिम तीन शब्द विकल्प के तौर पर पेश होते हैं। 2022 में जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, गॉब्लिन मोड को 3.18 लाख लोगों ने वोट देकर चुना था। अब कुछ सालों के मैं आपको वर्ड ऑफ द ईयर बताती हूँ। 2014 में वेप यानी ई सिगरेट पीने के तरीके के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। 2013 में सेल्फी वर्ड ऑफ द ईयर था और 2012 में ओमनी शैम्बल्स यानी अव्यवस्था को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। 2011 में स्क्वीज मिडिल यानी मंदी के दौर में जब आमदनी में बढ़ोतरी ना हो और महंगाई के चलते मिडिल क्लास को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही हो तो स्थिति को स्क्वीज्ड मिडिल का नाम दिया गया। 2010 में रेफ्यूजिएट यानी मुकर जाना, खंडन करना, नकारना, त्याग कर देना। 2009 में अनफ्रेंड सोशल मीडिया फेसबुक पर किसी फ्रेंड को ब्लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी चूज किया गया था। 2018 टॉक्सिक, 2017 में यूथ क्वेक और 2016 में पोस्ट ट्रुथ। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। युद्ध का आरंभ होना है, अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी, दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वरा तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है, देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं, किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जल्द आ रहा है।